नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज जो बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ग्रामरली जो हम कह सकते हैं एक टूल है, जो कि इंग्लिश करेक्शन के लिए ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको दोस्तों क्रोम में कैसे यूज़ करते हैं, क्रोम इसको कैसे सपोर्ट करता है, आप लोगों ने देखा होगा। जब आप यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं और आप जब यहाँ पर मोर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक्सटेंशंस देखने मिलते हैं, और एक्सटेंशंस आप यहाँ पर सर्च के करते हैं। ये देखिए, जैसे कि हम ये तीन एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं, आप यहाँ पर जो है इस तरीके से ग्रामरली फॉर क्रोम करके सर्च कर लें, और करने के बाद आप जो है इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टॉल जैसे ही आप कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन बना हुआ दिखता है ग्रामरली। अब ये आपके क्रोम पर जितनी भी वेबसाइट्स आप चलाएंगे, जो भी आप इंग्लिश में लिखेंगे, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग एरर्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला है। काम कैसे करता है दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर एक मेल कर रहे हैं, ये मेल का कंपोज स्ट्रक्चर है, और हम यहाँ पर एक कंटेंट, मान लीजिए हमने ये लिख लिया है, और इतना कंटेंट लिखने के बाद जो है दोस्तों, ये आप देखिए यहाँ पर इसने ये चेक कर लिया है और बता रहा है यहाँ पर कि तीन एडवांस सजेशन हैं और एक एरर है। एरर दोस्तों क्या है, ये यहाँ पर जो कॉमा इसके बाद लगना था, ये इस तरीके से आपको एरर बता देता है। अब हम बताते हैं कि मान लीजिए अगर आपने कोई गलती की होती तो ये उस गलती को किस तरीके से सही करता, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आप क्वेश्चन की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे ही ये मान लीजिए स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ आप देखें आपको सजेशन भी देगा कि क्वेश्चन की असली स्पेलिंग ये है, आपको यहाँ जाना है और उस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए, इसने इसको सही कर दिया है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप ग्रामेटिकल देखना चाहते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर इट हैज़ शोन, सिंगुलर की बात हो रही है, और यहाँ पर हम इसको दोस्तों ये हैप कर देते हैं। तो देखिए अब ये ग्रामेटिकली बताएगा कि इट यहाँ पर हैज़ यूज़ होना था वर्ब की फॉर्म, आपने हैप गलती से लगा दिया है। तो आपको जैसे ही ये रेड लाइन क्रॉस होगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये इसको हैज़ कर देगा। इसी तरीके से दोस्तों ये जो इसकी फॉर्म बदलती है, मान लीजिए मैं इसको शोन से शो अकेला कर देता हूँ, तो देखिए ये तुरंत इसने एरर दे दिया है और ये बता रहा है कि यहाँ पर लिखा होगा इट हैज़ शोन। मान लीजिए आपकी इंग्लिश जो टाइपिंग है और जो अंडरस्टैंडिंग है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दोस्तों ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और बहुत तरीके से आपको बताएगा कि ये कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी भी शब्द का समांतर या उसका अलग अलग तरीके से निकाला गया मतलब देखना है, ये आप कैसे करेंगे दोस्तों, आपको कहीं भी जाना है। मान लीजिए आप यहाँ पर चलते हैं मिलिट्री पर, और यहाँ आपको करना है डबल क्लिक। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए इसका सिनोनिम आ गया है। ये इस तरीके से आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। यहाँ सैंक्शंस पे हम डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए सैंक्शंस आ गया है। इसका मेन मतलब बायकॉट भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते थे दोस्तों। इसी तरीके से आप कमीशन पर क्लिक करें, तो ये इसके लिए अभी इसने यहाँ बोल दिया है कि कोई भी सिनोनिम फाउंड नहीं हुआ है। इसी के साथ दोस्तों और भी हम आपको बता सकते हैं, ये मान लीजिए सिस्टम पर हम चलते हैं और यहाँ पर देखिए कितने सारे इसके तरीके और सिनोनिम्स आ गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप कॉमा लगाना भूल जाते हैं, फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं, तो ये सारी कमियां जो है यहाँ पर दूर करता है। ये फुली फ्री है, अभी उसका प्रीमियम वर्जन यूज़ नहीं किया है। मैं यहाँ क्लिक करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए मेल्स में ये डबल क्लिक करके आप उसका सिनोनिम देख सकते हैं, डेफिनेशन देख सकते हैं, स्पेलिंग को करेक्ट कर देता है, ये फ्रेजल प्रोडिक्शंस आप देख सकते हैं। और अभी हम अमेरिकन इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ये मान के चलेगा, हम जो भी सिलेक्ट करेंगे ये उसको ही वहाँ से लेगा। और दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर जब डेटा लिख रहे होते हैं, और इस तरीके से जब ये डेटा लिखा जाता है, और हम मान लीजिए कि कुछ थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, तो ये तुरंत उसको एरर में कन्वर्ट कर देता है, और ऐसे करके सिंपली आपको एक एक चीज़ करेक्ट करता हुआ चला जाता है। तो दोस्तों क्योंकि मेल करना और प्रोफेशनल मेल करना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल, और हमें कैसे मेल राइटिंग लिखनी चाहिए, कैसी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें जो इंग्लिश कम्युनिकेशन से जुड़ी हैं उसके लिए आप बेसिक इस ग्रामरली को यहाँ पर एक्सटेंशन के रूप में ऐड कर सकते हैं। और जब भी आप क्रोम को एक्सेस करेंगे, आप कहीं पर भी कुछ भी लिखेंगे, तो ये उसकी इंग्लिश को ठीक करके आपको सजेशन भी देगा और उसको सही भी करता जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, इस ऐप का इस्तेमाल कीजिए, इस टूल का इस्तेमाल कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यूज़ करके बताइए कमेंट के माध्यम से आपको ये टूल कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।